हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क इन्फेंट। इंट्रोडक्शन। ए हाई रिस्क न्यूनेट कैन बी डिफाइंड एज ए न्यूबॉर्न रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशन एज और बर्थ वेट हु हैज ग्रेटर देन एवरेज चांसेस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ कंडीशन और सरकमस्टांसेस supremest on the normal course of events associated with birth and adjustment to extra uterine existing। मतलब एक जो हाई रिस्क न्यूनेट होता है वो एक उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एक न्यूबॉर्न है वो जस्ट उसकी जस्टेशनल एज या फिर उसके जो बर्थ वेट है उसके वो जो उसकी उसकी जो जस्टेशनल एज और जो बर्थ वेट है वो उसकी मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी के चांसेस को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो न्यूबॉर्न होते हैं वो हाई रिस्क न्यूबॉर्न होते हैं क्योंकि उसकी जो कंडीशन या सर्कमस्टांसेस है वो नॉर्मल जो न्यूनेट होते हैं, नॉर्मल जो बर्थ होती है, जो नॉर्मल उनका जो एडजस्टमेंट होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन एग्जिस्ट इन्वायरमेंट में वो कम होता है उनका। ठीक है, उसके बाद में हाई रिस्क इन्फेंट आर कौन कौन से होते हैं। हाई रिस्क इन्फेंट, पहला ये बेबी बोर्न विद बोर्न बिफोर 37 वीक। तो एक बेबी है वो 37 वीक को प्रेगनेंसी से पहले बोर्न होता है तो उसको प्री टर्म बेबी कहते हैं। प्री टर्म बेबी हैव ए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प द नर्स आइडेंटिफाई द बेबी एट हाई रिस्क। ठीक है, जो प्री टर्म बेबी होता है उसमें कुछ ये सब कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से वो हाई रिस्क न्यूबॉर्न हो की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि स्मॉल बेबी हो, ठीक है, उसका वेट जो होता है वो 2500 ग्राम से कम हो या फिर वो थिन हो, शाइनी हो, पिंक या रेड स्किन हो उसकी, ठीक है, एबल टू सी वेन दिखाई दे रही हो उसको इजीली या फिर लिटिल बॉडी फैट उसका कम हो या फिर लिटिल स्काल पैर भी उसके कम हो, ठीक है, लॉट्स ऑफ लेनुगो हो, वीक क्राई हो उसकी, बॉडी टोन भी वीक हो या फिर जेनिटल स्मॉल या अंडर डेवलप्ड हो। उसके बाद में पोस्ट मैच्योर इन्फेंट सेकंड पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। ठीक है, तो पोस्ट मैच्योर इन्फेंट कौन से होते हैं जो प्रेगनेंसी के जेस्टेशन के 42 वीक के बाद में या फिर 294 डेज के बाद में बोर्न हो। ठीक है, तो ऐसे बेबीज़ को पोस्ट टर्म इन्फेंट कहते हैं। तो उनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ड्राई या पीलिंग स्किन होती है, ओवर ग्रोन नेल्स होते हैं, अबंडेंट स्काल्प हेयर होते हैं, विजिबल क्रीजेस होती हैं पाम में और सोल में और मिनिमम फैट डिपॉजिट होता है और ग्रीन ब्राउन या येल्लो कलरिंग और स्किन होती है फ्रॉम मीकोनियम स्टेनिंग। उसके बाद में लार्ज फॉर जेस्टेशन। उसके बाद में लार्ज फॉर जेस्टेशन बेबीज़ कौन से होते हैं जो मतलब लार्ज फॉर जेस्टेशन बेबीज़ होते हैं जो कि अगर मदर जो होती है वो डायबिटिक हो। ठीक है, तो मदर डायबिटिक हो ये उस ऐसी मदर में ये कॉमन कॉजेज हो सकता है लार्ज फॉर जेस्टेशन एज बेबी का। ठीक है, तो डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज मदर, तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना मदर में जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होगा तो वो बेबी में भी सर्कुलेट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा बेबी की बॉडी में भी इंसुलिन ज़्यादा बनेगा जिसकी वजह से ऑल एक्स्ट्रा शुगर एंड एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोडक्ट लीड टू एक्सेसिव ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद में मीकोनियम एस्पिरेटेड बेबी। तो नेक्स्ट है मीकोनियम एस्पिरेटेड बेबी, तो ऐसे बेबी जिन्होंने मीकोनियम को एस्पिरेट कर लिया हो यूट्रस में, ठीक है, या फिर बर्थ की फर्स्ट ब्रीथ के दौरान। उसके बाद में इन ब्रीफ हाई रिस्क न्यूनेट आर, और उसके बाद में और भी हाई रिस्क न्यूनेट होते हैं जैसे कि बेबी हैविंग टेकीपनिया हो बेबी में या रिट्रैक्शन हो, साइनोसिस हो, कोआर्स ब्रोंकियल साउंड्स आए या फिर मैटरनल इन्फेक्शन हो, कोई मदर में इन्फेक्शन हो या प्री मेच्योर लो बर्थ वेट बेबीज हो या फिर बेबी बॉर्न विद ट्रोमा ड्यूरिंग डिलीवरी हो या फिर बेबी विद पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो या फिर हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो बेबी में। उसके बाद में पोस्ट मैच्योर बेबी हो या बेबी ऑफ मैटरनल डायबिटिक हो,
बेबी बोर्न टू मदर हु हैव नेक्रोटिक ड्यूरिंग लेबर, बेबी बोर्न टू सब्सटेंस यूज मदर, ठीक है, और फीटल हाइपोक्सिया, डिफ़िकल्ट प्रोलोंग्ड लेबर ड्यूरिंग बर्थ ट्रोमा, या फिर मल्टीपल जेस्टेशन, या कंजेनाइटल एनोमलीज, ठीक है, अपगार स्कोर, तो अपगार स्कोर जिसका लेस देन 6 हो एट 1 मिनट या फिर लेस देन 7 हो एट 5 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न एंड इन फिटस को जो हाई रिस्क में है उनकी मॉनिटरिंग हमको करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।